वेलकम इंजीनियर, आज हम यूके 3+C JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 7 करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू चेक डैम्पनेस ए नैरो होलो स्पेस कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू एक्सटर्नल वॉल्स इज नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डैम्पनेस रोकने के लिए जो आपकी एक्सटर्नल वॉल हैं उसके साथ में जो बिल्कुल बनाया गया है एक नैरो स्पेस है वो क्या कहलाता है, कैविटी वॉल या फिर पैरापिट वॉल या फिर एयर ड्रेन या फिर वाटर ड्रेन। तो ये जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, एयर ड्रेन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मेथड यूज टू मेक एन एस्टिमेट इज, आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा मेथड जो है एस्टिमेट में यूज होता है, थिन वॉल एंड थिक वॉल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड, बोथ ए एंड बी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, सेंटर लाइन मेथड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक थ्योरी इज जनरली यूज्ड फॉर, आपसे पूछा गया है कि प्लास्टिक थ्योरी जो है वो कहाँ पर यूज की जाती है, कॉलम में या बीम्स में या रूफ में या फिर रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टिक थ्योरी जो है वो रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज की जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी द टाइम इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं हाइटोग्राफ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द सॉइल व्हेन प्लांट्स फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशियंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सॉइल की वह कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो पौधा है अपने ज़रूरत के अनुसार जो भी वाटर है उसे खींचने में फेल हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेचुरेटेड पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या अल्टीमेट यूटिलाइजेशन पॉइंट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसे कहते ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन इज, यहाँ पे आपसे राइस रूट जोन की डेप्थ पूछी है, तो आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन लिफ्ट इरिगेशन द फ्लो इज, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लिफ्ट इरिगेशन में जो आपका फ्लो होता है वो कैसा होता है, बाय ग्रेविटी द्वारा या फिर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल या बाय परकोलेशन या फिर स्प्रिंकल हेड द्वारा। तो आपका लिफ्ट इरिगेशन में जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इन ए ग्रेविटी डैम द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर ओवरटर्निंग ऑफ डैम शुड बी एट लीस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्रेविटी डैम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हम कितना यूज करते हैं फॉर ओवरटर्निंग के लिए, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आंसर दे रखा है 1.05, बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ईजिली ऑन माइल्ड स्टील, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माइल्ड स्टील में निम्न में से कौन सा ऑपरेशन जो है वो नहीं किया जा सकता है, ड्रिलिंग, पंचिंग
कटिंग, हार्डनिंग। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। हार्डनिंग जो है ये आसानी से नहीं किया जा सकता है, बाकी जो ये हैं सारे ये किए जा सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रूफ पर्लिन इज टेकन एज। यहाँ पे आपसे रूफ पर्लिन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है, वो हम कितना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, WL/10। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द स्टील कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाई मेसोनरी वॉल इज। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपके आपका एक स्टील का कॉलम है जो अपनी पूरी लंबाई में एक ब्रिक्स मेसनरी में जो है पूरा बेस्ड है, तो इसका स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा। तो इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा ऑप्शन नंबर ए 0। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील बीम शुड बी डिजाइनड फॉर। स्टील बीम का जो डिज़ाइन है वो किस लिए किया जाता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए, या फिर स्टिफनेस के लिए, या बकलिंग के लिए, या फिर ऑल ऑफ अबव के लिए। तो जो स्टील बीम का डिज़ाइन किया जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए पिकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो आपका पिकनोमीटर होता है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, या फिर वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाटर कंटेंट इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीवरेज सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपके सीवरेज सिस्टम है इनकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, मेन सीवर से, या फिर हाउस सीवर से, या फिर आउटफॉल सीवर से, या फिर सब मेन सीवर से। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनकी शुरुआत होती है हाउस सीवर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइनड फॉर ए प्रोजेक्टेड पीरियड फॉर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो सीवरेज सिस्टम होते हैं इनका डिज़ाइन जो हम कितने साल के लिए करते हैं, 5 ईयर के लिए, या 50 ईयर्स के लिए, या 25 ईयर्स के लिए, या 100 ईयर्स के लिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होगा, 25 ईयर के लिए हम इनका डिज़ाइन करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टू सस्टेन हाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीवर मटेरियल इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सटर्नल व इंटरनल प्रेशर के लिए जो सबसे अच्छा सीवर कौन होगा, CI पाइप्स, या स्टील पाइप्स, या विट्रीफाइड क्ले पाइप, या RCC पाइप। तो इंटरनल व एक्सटर्नल प्रेशर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी स्टील पाइप। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सीवर जनरली अडॉप्टेड इन डिज़ाइन में भी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सीवर का मिनिमम व मैक्सिमम डायमीटर कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 cm to 300 cm। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेफ्थ एंड डेफ्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स बीम द लीवर आर्म ऑफ द बीम। यहाँ पे आपसे पूछा है एक आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम है, इफेक्टिव डेफ्थ एंड डेफ्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस के लिए लीवर आर्म जो है वो कितना होगा। तो इसके लिए लीवर आर्म होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, D-N/3। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
फॉर लेमिनार फ्लो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज, यहाँ पे आपसे लेमिनार फ्लो के बारे में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछा गया है, वो कितना होगा, 1 या फिर 1.33, 2, 2.7। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, सी है, वो बिल्कुल सही होगा, 2। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन रेनफोर्स कंक्रीट लेप स्प्लाइड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बार हैविंग डायमीटर लार्जर देन, यहाँ पे आपसे पूछा है कि रेनफोर्स कंक्रीट वर्क में जो आपकी बार है उसका डायमीटर कितने से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लेप ज्वाइंट नहीं दिया जाएगा। तो आपका जो आंसर है 36 mm, अगर जो बार का डायमीटर 36 mm से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लेप नहीं दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपके प्रश्न हो गए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।